और सदमे के साथ मुझे इधारे ख्याल करना पड़ रहा है कि एमआईएम के सारण के जिम्मेदार और स्टेट सिक्योरिटी हमारे उम्मीद पार्टी के गोपालगंज से उम्मीदवार रहे जनाब मुखिया असलम साहब का अभी अभी आधा घंटा पहले जालिमों ने मर्डर कर दिया है। और इससे एक महीना कबल, अभी दो महीना कबल तकरीबन वहां सिवान में भी हमारे एक मजबूत कारकुन का मर्डर कर दिया लोगों ने, और हुकूमत आज तक कातिलों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। मेरा हुकूमत बिहार से मुतालबा है कि मुस्लिम अकलियत के लोगों के जान और माल इज्जत आबरू की तहफूज नहीं हो रही है। एमआईएम के पार्टी के जिम्मेदारों का इस तरह से कत्ल हो रहा है। आली जमाल का पहले हुआ दो महीना पहले, और अभी जनाब असलम साहब का हुआ। दोनों की पार्टी से मजबूत वाबस्तगी थी। हुकूमत वक्त से हमारा मुतालबा है कि कातिलों की फौरी तौर पर तलाशी की जाए और कातिलों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाए और एमआईएम के कारकुनों को तहफुज दिया जाए। हम लोगों ने पिछले दिनों से, पिछले कई महीनों से हुकूमत बिहार के तमाम तरह महकमे से, डीजीपी से लेकर के आईजी सिक्योरिटी तक, होम सिक्योरिटी तक हम लोगों ने गुजारिश की है। मैंने मुख्यमंत्री को लिख करके दिया है कि हमारे लोग निशाने पर हैं और हमारे लोगों को तहफुज फराहम कराया जाए, लेकिन हुकूमत ने तहफुज फराहम नहीं कराया। वो वजीर आला का वादा है कि क्राइम से, करप्शन से और कम्युनिज्म से कोई समझौता नहीं करेंगे। वजीर आला मोहतरम से गुजारिश करते हैं कि फौरी तौर पर इन कातिलों की गिरफ्तारी हो और ऐसे लोगों पर एसआईटी करके फौरी तौर पर ऐसे लोगों को फांसी की सजा दी जाए। हम हुकूमत से शदीद तरीन मुतालबा करते हैं कि बिहार में अकलियतों के जानो माल, इज्जत व आबरू और बिलखसूस एमआईएम के लोगों के तहफ्फुज़ का सामना करें।